मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने शक्तिनगर गृह निर्माण पर संपत्ति कर घोटाले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जनशक्तिनगर गृह निर्माण नगर निगम के खजानों में लाखों रुपए की हानि पहुंचा रही है। वहीं द्विवेदी के सवाल उठाने पर अब नगर निगम आयुक्त इस खुलासे के बाद क्या करेंगे, कौन से अधिकारी सस्पेंड होंगे, संस्था पर क्या कार्रवाई होगी, झूठा शपथ पत्र देने पर कौन कौन सा आपराधिक मुकदमा कायम होगा, संस्था पर संपत्ति कर में भी कई चोरी का 5 गुना पेनाल्टी लगाई जाएगी और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी कि नहीं, यह देखना होगा। जनशक्ति नगर के मामले में जानकारी इकट्ठी की थी, एक आवेदन लगाया, आवेदन से जानकारी मिली कि जो संपत्ति कर भरा जा रहा है खाली भूमि का भरा जा रहा है, और क्या सबूत चाहिए। स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, ग्राउंड फ्लोर ओपन लैंड, एरिया कितना है 1,96,454, हो गया। जब आपकी जमीन खाली जमीन है तो फिर बारूद घर कैसे उड़ाया। और जब बारूद घर का आपने संपत्ति कर ही नहीं भरा, ये सामने सबूत है, तो संपत्ति कर अधिकारी ने मौके का निरीक्षण क्यों करा, और अगर करा तो कैसे प्रमाण पत्र दे दिया कि आपने सही संपत्ति कर भरा। कॉलोनी सेल के उपायुक्त अरुण शर्मा ने 23 दिसंबर 2019 को जो पत्र लिखा उसमें स्पष्ट लिखा कि बारूद घर हटाओ, तो अरुण शर्मा ने मौके का निरीक्षण करा, उसमें बारूद घर पाया। आज भी एक बगीचे में एक पुराना मकान पड़ा हुआ है, शिवजी का मंदिर है, पानी की टंकी है, और बारूद घर की जो स्थान पर बगीचा बना हुआ है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 में बदले गए बदलाव से ये होता है कि अगर आपने संपत्ति कर या कुछ चुराया और नगर निगम ने उसको मौके पर जाकर के पाया, नप्ती की, 5 गुना पेनल्टी, तो 2008 से 13 साल, 5 गुना पेनल्टी, अधिकारी को सस्पेंड करो। शपथ पत्र देकर के संस्था ने यह कहा था कि हमने जो भी संपत्ति कर भरा है अब हम पर कुछ भी बकाया नहीं, तो फिर ये 11 लाख रुपए कहां से आ गए बकाया। मेरे कोई दस्तावेज है, वो आयुक्त महोदया ये बता दे आप, अब वो क्या करने वाली है। इस संस्था ने एक शपथ पत्र दिया कि हमने सारा संपत्ति कर भर दिया, कॉलोनी सेल ने वो शपथ पत्र संदीप सोनी भवन निर्माण भवन अनुज्ञा शाखा को भेजा, उन्होंने भवन निर्माण अनुमति जारी कर दी। तो ये सब कौन खेल कर रहा है, अधिकारी कर रहा है। अब और क्या सबूत चाहिए, एक के बाद एक अधिकारियों के कारनामे, उनके ही दस्तावेज, उनका ही कार्यालय, उनके ही सूत्र ओपन कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं मिले, इसलिए आधार कार्ड मांगा गया। मैंने ठीक है भाई, दूसरे माध्यम से मैं जानकारी ले लेता हूँ, और यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत 2 पत्र जाते हैं मुझे भी, जोन क्रमांक 16 का पत्र देते हैं कि जोन क्रमांक 16 से मैं जानकारी ले लूं, और जानकारी मिलती कहाँ से है, जोन क्रमांक 1 से। एक खेल, यानी मुझे जानकारी भी नहीं मिले,
एक नगर निगम, दो खेल, और क्या क्या सबूत। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएसआर टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।